सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे से बैंस वालों की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। लुधियाना तो लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत सिंह बैंस लगातार पानी के खिलाफ जंग लड़ते आ रहे हैं। बीती दिनी पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सतलुज यमुना लिंक नहर नू लैके केंद्रीय जल स्रोत मंत्री नाल मुलाकात हुई सी, जिसनू लैके सिमरजीत सिंह बैंस वालों मुख्यमंत्री की रिहाइश से मंग पत्र भी सौंपा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान बैंस ने कहा कि पंजाब विच पहला ही पाकिस्तान की वंड तो बाद दो दरिया ही बचे सन, जिन्हां विचों राजस्थान दिल्ली नूं पहला ही पानी दिता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणे विच देण लई पंजाब कोल वाधू पानी नहीं है और केंद्र सरकार वल्लों समय समय सिर पंजाब दे अधिकारां दा घाण कीता जांदा रहा है। होर उन्होंने की क्या आओ तुसीं वी सुन लो। पंजाब पंज दरियावां दी धरती एंड जदों देश दी वंड होई, देश दी वंड तों बाद साडे कोले तकरीबन जिहड़े ढाई दरिया बचे, ढाई दरिया पाकिस्तान वाले पासे चले गए और पंजाब नू कुदरत ने जिहड़ा अनमोल रतन पानी दे खजाने दे रूप च दिता, उस कुदरती खजाने दे उत्ते देश दी केंद्र सरकार ते रली मिली भुगत सूबा सरकारां दी होण कारण साडे पानी दी लुट जिहड़ी आ देश दी आजादी तों बाद निरंतर जारी रही। देश दी वंड तों पहलां जे पंजाब दा पानी महाराजा गंगा सिंह जिहड़े बीकानेर रियासत दे राजे आ जो वो लैके गए तो पानी की कीमत पंजाब की सरकार नू दे के फ्री दे विच नहीं, तो जे कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दे दादे जिहड़े ब्रिटिश गौरमेंट नू नाभा पटियाला रियासत दे राजे जिहड़े ब्रिटिश गौरमेंट नू अंबाले तक पीण वाला पानी एक नाला पट के लैके गए तो ब्रिटिश गौरमेंट कोलों पैसे प्राप्त किए। मेरे कहण तो भाव हैगा कि पानी की कीमत का आदान प्रदान फ्री दे विच नहीं, पर देश की आजादी तो बाद पंजाब दे नाल पंजाबियों दे नाल जगों तेरहवीं हुई साडा पानी भी लुटिया गया, सानू कीमत भी नहीं मिली, हड़ां दा नुकसान पंजाब चले दरियावां दे थले आया होया रकबा लखां एकड़ जमीन जिहड़ी वो बंजर हो गई, वह नुकसान पंजाब चले। तो हुण सब तो वड्डा रौला जिहड़ा वो पंजाब दे अंदर दोस्तों SYL नूं लैके जिहड़ी कल कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दी हरियाणा दे मुख्यमंत्री खट्टर साहब दे नाल मीटिंग होई, जिहदे विच देश दे जल स्रोत मंत्री भी हाजर सीगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे उत्ते। मुख्यमंत्री साहब दा एक बयान जिहदी मैं विरोध नहीं, जिहदी मैं तारीफ करूँगा, जिहड़ा उन्होंने ये गल कही है कि जे पंजाब दे अंदर SYL नहर बनती है तो पंजाब दे हालात बेकाबू हो जाएंगे। कोई शक नहीं पंजाबियों का खून जा सकता है, पंजाबी खुद जा सकते हैं, जाना दे सकते हैं, पर पानी की बूंद नहीं। दोस्तों 2002 दे विच मानयोग सुप्रीम कोर्ट फैसला दिंदी है पंजाब दे उल्ट भी SYL नहर के जरिए पानी दे दो हरियाणे नूं। एंड अफसोस है कि साडियां सरकारां ने इस स्टैंड दे उत्ते खड़ के लड़ाई नहीं लड़ी, कानूनी पक्ष दे उत्ते खड़ के लड़ाई नहीं लड़ी। मैं फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अपील करूँगा, सुझाव दूंगा कि कैप्टन साहब तुरंत एक सैशन कॉल करो, जिहड़ी टर्मीनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट दे विच तुसीं कमी छड गए सी उस कमी नूं पूरा करो जिहदे तहत प्रेजिडेंशियल रैफरेंस पंजाब दे उल्ट गया। ये मता पास करन लगे कि 1966 दी 78 ते 1956 दी 14 भारत दे संविधान दे आर्टिकल 262 दा लंघण आ, फिर मानयोग राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट दे जजां तों राय मंगण। 100 नहीं दोस्तों 101% राय पंजाब दे हक विच आएगी, असी एक केस जित के आवांगे। कैप्टन साहब कित्थे गए वादे तुहाडे? सरदार प्रकाश सिंह बादल दी 16 नवंबर 2016 पानियां दी कीमत जिहदे वास्ते सिमरजीत बैंस नूं बड़ी कुट खाणी पई, जलील होना पिया, पर वह पास होया, पानी दा बिल बना के हजे तक नहीं भेजिया। की कैप्टन साहब तुहाडी सरकार दे कोले सरप्लस पैसे पए आ, तुसीं पानी दी कीमत दा बिल बना के क्यों नहीं भेजदे? आ केजरीवाल हकूमत ने पिछले साल 21 करोड़ रुपया हिमाचल दे नाल एग्रीमेंट किया, पढ़ लो खबर, अखबारी खबर आ, 21 करोड़ रुपया। केजरीवाल साहब मेरी सुनिमर बेनती आ, पंजाबियों ने तुहानू बहुत वड्डा सपोर्ट किया, 2017 की असंबली दे विच अलायंस लोक इंसाफ पार्टी नाल करन लगे प्रेस की हाजिरी च कह के गए पानी की कीमत पंजाब नू भेजांगे, तुसीं हिमाचल नू 21 करोड़ रुपया देना शुरू करता पानी की कीमत का। पंजाब ते पंजाबियों ने तुहाडा की माड़ा कीता, तुसी पानी की कीमत क्यों नहीं भेजते? जे तुसी कीमत भेजते हो
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਚਾਰਜ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੋ ਇਸ਼ੂ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2 2007 ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਰਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਇਸ਼ੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।